हेलो भाई, ये तो यार कैसे हो आप सब। यार आप भाइयों के भाई इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप वीडियो कौन से ऐप सेलेक्ट करते हो जो कि इतनी स्मूथ चलती है, मतलब स्लोमो करने के बाद भी। तो यार भाई वही मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा ऐप सेलेक्ट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ। और क्या कहते हैं कई भाइयों के भी मैसेज कि भाई आपके कंट्रोल क्या हैं, आपकी सेंसी क्या है। तो भाई वही सब आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारा कुछ करके, मतलब कैसे मैं अपने शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह एडिट करता हूँ कौन से ऐप से करता। तो ठीक है यार भाई, आज के वीडियो शुरू करते हैं। और यार एंड तक देखना भाई, अगर शॉर्ट्स वीडियो कैसे एडिट करता हूँ मैं। अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखी तो जाके आप पिकअप भी देखो यार, कैसे लगी कमेंट करके बताना। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं आज के वीडियो। और सबसे पहले बात तो यार, मैं जितने भी वीडियोज़ मतलब एडिट करता हूँ शॉर्ट्स वगैरह, तो सारे के सारे भाई काइन मास्टर से ही करता हूँ। और अगर कोई भी ऐप यूज़ नहीं करता भाई मैं काइन मास्टर के अलावा। और सॉरी भाई यार, मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी भाई। अगली बार देखेंगे कि और अच्छा कर सकें। तो यार सबसे पहले आपने 1.1 का रेशियो लेना है, उसके बाद में अपनी वीडियो उठानी है, तो आपको कुछ इस तरीके की अपनी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कई भाइयों को ये भी नहीं पता होता कि भाई साहब जूम कैसे करना है। तो सबसे पहले अपनी वीडियो पर दबाना है, और सेंटर में एक आएगा पिन है जूम का, तो उसके बाद इक्वल पर दबाना है और अपनी वीडियो को जूम करना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके की जूम करनी है अपनी वीडियो। जूम करने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक है भाई, तो जूम करने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी अपनी वीडियो। और इसके बाद इसके थोड़ा सा एडजस्टमेंट बढ़ा लेंगे, जिससे कि अपने ग्राफिक और भी ज़्यादा तगड़े लगते हैं भाई। तो यार मैं हर एक वीडियो में यही रखता हूँ, तो आप हो सके तो यही रख के ज़्यादा बेटर लग रहेगा। तो उसके बाद यार करने के बाद आपको जूम करने को बताता हूँ स्लो मोशन, मतलब कहाँ से कहाँ तक करना है। ठीक है, तो यार सबसे पहले आपने शॉट देख लेना कहाँ पड़ा है और कहाँ से आपको स्लो करना है। तो भाई मैं हर एक शॉट यहीं से स्लो करता हूँ, मतलब हेड जैसे पड़ता है वहीं से। ठीक है, तो उसके बाद अपन करेंगे लास्ट वाला सेकंड छोड़ के थर्ड पे रखना है या फिर सेकंड पे रखना है। ठीक है, तो यार अपने हिसाब से देख लेना कि आपको जिसमें बेटर लगे। तो मैंने यार लास्ट सेकंड छोड़ रहा है उस पे रखा है थर्ड पे। ठीक है, तो यार कुछ इस तरीके की होगी मेरी वीडियो स्लो। देख लेना यार आपको कौन सा सही लगता है, मतलब थर्ड पे रख के भी देख लेना, सेकंड पे रख के भी देख लेना, आपको जिस पे ज़्यादा बेटर लगे उस पे रख के देख लेना। ठीक है, और सेकंड स्लोमो करेंगे भाई यहाँ से, जहाँ से अपनी गन निकलेगी शॉट मारने के लिए, वहाँ से एक कट लगाएंगे। उसके बाद आगे करेंगे जहाँ तक अपना स्कोप खुलता है वहाँ पर एक कट लगाना है। फिर कट लगाने के बाद जो अपनी बीच की वीडियो है उसको करना है स्लोमो, लास्ट के तीन छोड़ के फोर्थ नंबर वाले पे रखना है, जो कि आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही लगने वाली है यार। देखो भाई यार ऐसी बन चुकी अपनी वीडियो, मतलब पूरा करके एडिट वगैरह, मतलब अभी तक स्लोमो करके कुछ ऐसी लगेगी। और भाई मैं सभी गेम साउंड बंद कर देता हूँ, मैं जो AWM की साउंड होती है वो एक्स्ट्रा लगाता हूँ बाद में भाई, ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छी लगे। क्योंकि जो गेम साउंड की AWM की आवाज़ होती है भाई, वो कुछ ज़्यादा खास होती नहीं है। तो यार मैं अलग से लगाता हूँ भाई। अगर आपको वो डाउनलोड करनी है गेम साउंड, तो यार वो आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगी, AWM साउंड करके सर्च मारना, वो बहुत आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो यार फिर आपको अपनी यहाँ से कोई सा भी जो आपको सॉन्ग लगाना है वो भाई यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद उसकी बीट वगैरह मैच कर लेना। चाहे तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा अभी इसके आगे, तो यार देखते रहना। और भाई अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यार कर लो। तो भाई क्या कर रहे हो यार, इतने तगड़े तगड़े शॉर्ट्स वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ मैं। तो यार भाई मैंने यहाँ से सॉन्ग ले लिया, और मैं आपको भाई यार सॉन्ग नहीं सुनाने वाला, क्योंकि हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए। तो भाई यार मैं आपको एडिट वगैरह करके, मतलब बीट वगैरह मिलानी है, उसके बाद बताता हूँ बीट वगैरह मिलाने के बाद क्या करना है। ठीक है, तो भाई बीट वगैरह मिलाने के बाद अपनी वीडियो हो चुकी है तैयार। और भाई अगर आपको और स्लोमो करना है, जो कि मैं बहुत बहुत कम तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी ऑलमोस्ट वीडियो में करता हूँ थोड़ा बहुत, जो कि लास्ट के उसमें होता है मतलब बीट के हिसाब से, तो आपको अपने बीट के हिसाब से कट करना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट के आगे थोड़ा सा एक और कट लगाना है, उसके बाद उसको पूरा नॉर्मल कर देना है वीडियो को। तो भाई फिर आप उसको एक बार प्ले करके देख लेना कि आपको वो सही लग रही है बीट वहाँ पर या नहीं लग रही। उसके बाद 1.5 से 2 सेकंड के बीच में फिर आप एक कट लगाएंगे, जो कि आपके बीच में स्लोमो रहेगा। उसके बाद फिर आपसे 2.5 या 3 मिनट के उसमें फिर एक कट लगाना है, जो कि आपको नॉर्मल करनी है वो वाली पूरी, जो कि आपको स्लो फास्ट वाला इफेक्ट देगी। और फिर आप मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, जो कि इस तरीके की लगेगी आपकी वीडियो। ठीक है, फिर आपको भाई यार कट कर लेनी है अपनी वीडियो जिसने सेकंड की चाहिए। तो यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 सेकंड की वीडियो बनाता, तो मैं उससे ज़्यादा करता भी नहीं भाई। तो यहाँ से हो चुकी है अपनी वीडियो तैयार, और भाई इसे
चेक कर लेना। मैंने भाई वो AWM के साउंड नहीं लगाए क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था भाई, सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार अगर भाई अगर इससे के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो एडिट करने में, शॉर्ट एडिट करने में, तो यार नीचे भाई कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो भाई वहाँ पर मैसेज करना। मैं भाई कई भाइयों के ये भी मैसेज थे कि भाई यार आप अपने कंट्रोल सेंसी दिखाओ, तो भाई ये रहे यार मेरे, पहले तो सबसे पहले आपको सेंसी दिखा देता हूँ। ये रही मेरे कैमरा की सेंसिविटी, ठीक है भाई, और ये रही मेरी ADS की सेंसिविटी, जो कि मैं जायरो प्लेयर हूँ तो इस चक्कर में सारी कम रखा हूँ, और ये है भाई गायरो की सेंसिविटी। तो यार देख लेना भाई, लेकिन डिवाइस का भी फ़र्क पड़ता है, तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और भाई ये रहे मेरे कंट्रोल, तो भाई देख लो यार, कॉपी करना हो भाई कॉपी कर रहे हो, लेकिन भाई मैं ये नहीं कह रहा कि डिटो कॉपी कर लेना, क्योंकि भाई यार होता है सबके हिसाब से अपने अपने कंट्रोल बने होते हैं, हाथ बिठाना पड़ता है भाई उन कंट्रोल के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप किसी के कंट्रोल कॉपी कर लोगे तो उसकी तरह बन जाओगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता यार, हाथ बिठाना पड़ता है अपने हिसाब से। हैं भाई ग्राफिक्स स्मूथ और एक्सट्रीम में खेलता हूँ, और सॉफ्ट इफेक्ट है मेरा भाई, देख लो भाई कैसी लगी वीडियो यार, कमेंट करके जरूर जाना भाई, आपके डिमांड पे बनाई है, वरना मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं था भाई बिल्कुल भी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक और कमेंट भाई तीनों करके जाना। बस आज के लिए इतने भाई, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।